अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ सब भाई और दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों आज हम आपको फ्लॉप फ्रंट पकड़ पर और आपको शोल्डर लगाने का तरीका बताएंगे और बनाने का तरीका भी बताएंगे इस वीडियो में इंशाल्लाह। इस तरीके से आपने सामने से पहले सामने पट्टी ले लें, जितना आपने लगानी है उस फ्रंट पट्टी का बुकर फ्रंट पॉकेट का बुकर जितना आपने लगाना है उतना आप पीस कटिंग कर लें, या फिर आप एक तरीके से 2 इंच का एक चौड़ा चौड़ा पीस ले लें। चौड़ाई की तरफ जितनी आगे फ्रंट पट्टी के बुकर में चौड़ाई में होगा उतना आप इस तरीके से कटिंग कर लीजिएगा उसको। जी इस तरीके से अब हम एक दोस्तों कटिंग कर लेते हैं, उसके बाद हम इसको बना लेते हैं। जी इस तरीके से आपने इसको दरमियान में कर लेना दोनों को। फिर हमने यहाँ से इसको गोलाई की शेप में बनाना है, यहाँ से हम इस तरीके से गोलाई की शेप में इसको बनाएंगे। जेब फ्लाप है फ्रंट जेब के दोस्तों, आपने इसको इस तरीके से दरमियान से कर लेना, दरमियान में कर लेना। उसके बाद आपने इसको इस तरीके से आप नीचे से इसके जो कोने होंगे वो आपने इस तरीके से गोलाई की शेप में कर देना, नीचे से आपने इसको नोक बना देना है। जी इस तरीके दोस्तों आपने इसको अच्छे तरीके से दोस्तों देखिए बहुत ही खूबसूरत हमारा सैंपल आपके सामने तैयार हो चुका है। इस तरीके से आप इसको तैयार कर सकते हैं। जी जी देखिए इसकी चढ़ाई हमारी 1.5 इंच तैयार हो चुकी है। इस तरीके से आप इसको तैयार कर लीजिएगा। जी अब इस तरीके दोस्तों अब हम इस तरीके से इसको बना लिया, उसके बाद हम फ्रंट जेब का जो बुकरम लिया है हमने उसके इस तरीके से हम मैश करेंगे तो देखें वो नीचे से नज़र आ रहा होगा। आपने इतना इसको कटिंग कर लेना है, हम इसका हाफ कर देते हैं, इसको हम कटिंग कर लेंगे। जी इस तरीके से अब हम इसको कटिंग कर लेते हैं, उसके बाद हम जी आप इसकी जो आप इसको थोड़ा सा और ब्लीक कर देते हैं बाद में, जिसकी जो नोके आपको नज़र नहीं आनी चाहिए। दोस्तों इस तरीके से जो हमारा फ्लाप तैयार हो चुका है, अब इस तरीके से आपने इसको तैयार करना है। यहाँ पर बटन लगेगा हमारा जी। अब आपने शोल्डर ले लेने हैं, हमने शोल्डर जितने हमने तैयार करने हैं इस तरीके से अब हम इसको कटिंग कर लेंगे। जी इसको हम दरमियान में करके इसको नोक बना लेते हैं। जी इस तरीके से आप इसको नोक में बना लें। जी शोल्डर लगाएंगे दोस्तों, वो लगाने का तरीका और बनाने का तरीका हम आपको मुकम्मल बता देंगे। देखिए हमारी ये फ्रंट शोल्डर 1 इंच से थोड़ा सा कम है दोस्तों। जो हमने शोल्डर भी कटिंग कर ली है बुकरम के, और जो हमारे फ्रंट फ्लाप भी तैयार हो चुका है, और इसको हम प्रेस कर लेते हैं। जो हमारे फ्लाप का कपड़ा इस तरीके हम डबल कपड़ा ले लेंगे, उसको प्रेस कर लेंगे। जी उसके बाद हम फ्लाप इसके ऊपर रख कर इसको प्रेस कर लेंगे। जी आप इस तरीके से इसको प्रेस कर लीजिएगा। यहाँ पर हम सिलाई लगा के इसको मुकम्मल कर लेंगे। ऊपर तरह आप सिलाई नहीं लगाएंगे, साइडों पर सिलाई लगानी है आपने। अब इसको हम प्रेस कर लेते, यहाँ पर हम शोल्डर प्रेस करेंगे। जिस तरीके से आपने इसको अच्छे तरीके से प्रेस कर लीजिएगा। जी इस तरीके से दोस्तों आप अच्छे तरीके से इसको प्रेस कर लीजिएगा। अब हम इसको एक साइड पर कर लेते, इस तरीके से आप इसको एक साइड पर कर लें। जी इस तरीके से आप इसको प्रेस कर लीजिएगा। उसमें यहाँ पर हम सीधी सिलाई लगा कर जहाँ पर कोनों पर सिलाई लगा कर इसको हम पलटा देंगे। देखें हम दोनों प्रेस कर लिए, इस तरीके से हम प्रेस कर लेते हैं इसको। जी इस तरीके दोस्तों आपने अच्छे तरीके से इसको प्रेस करना है। आज यहाँ से आप कटिंग कर लेते हैं, इसको सिलाई हमने लगा ली थी। जी इस तरीके से हम इसको कटिंग कर लेते हैं। जी अब दोस्तों इसको हम पलटा लेंगे, उसके बाद हम इसको प्रेस कर लेंगे जहाँ पर हम कट कर लेते हैं, जिसके जिससे ये गुलाई के शेप में बैठ जाएगी। दोस्तों आपने इस तरीके से आपने इस तरीके से इसको कटिंग करने के बाद आपने इसको पलटा लेना, उसके बाद आपने इसको प्रेस कर लेनी है। दोस्तों यहाँ से हम सिलाई इसके ऊपर पैर के लगा लेते हैं इस तरीके से हम, और इसके जहाँ पर हम सिलाई दोस्तों लगा लिया, हम इसको हम कटिंग कर लेते हैं। जी इसलिए दोस्तों आपने इसको पलटाना थोड़ी सी मुश्किल बनेगी आपको। जी आपने इसको पलटा लेना इस तरीके से, आप इसको पलटा लीजिएगा। जी जी बहुत से दोस्तों
बेहतरीन तरीके से हमारा तैयार हो जाएगा, फ्लाप भी और जो शोल्डर भी हमारे तैयार हो जाएंगे। इस तरीके से आप इसको बना लें, बहुत ही बेहतरीन तरीका है। इसको आप इस तरीके से पलटा लीजिएगा जी, इस तरीके से जी दोस्तों। जो देखें हमने इसको पलटा लेते हैं, इस तरीके से आपने इसको पलटा लेना है जी। जो देखें हमने आप इसको तैयार कर लिया, पलटा लीजिए इसको। अब हम उसके ऊपर भी सिलाई पैर के लगा लेंगे, उसे हमने इसके ऊपर पैर की सिलाई लगा लिया। अब इसको हम फोल्ड कर लेते हैं जी, इसलिए कि दोस्तों अब हम इसको फोल्ड कर लेते हैं। उसके बाद हम कटिंग कर लेते हैं। तकरीबन 2 सूत्र दबा छोड़ लीजिएगा आप जी, इस तरीके से आप इसको दबा कर 2 सूत्र छोड़ लेंगे। उसके बाद हम इसको जी, इस तरीके से आप इसको हम अच्छे तरीके से इसको प्रेस को कलफ लगा के इसको फोल्ड कर लेंगे। ये कपड़ा जो हमारा हमने नीचे की तरफ फोल्ड कर लिया है जी, इस तरीके से दोस्तों आप इसको अच्छे तरीके से फोल्ड कर लेंगे। ये हमारा फ्लाप तैयार हो चुका है, शोल्डर भी हमारे तैयार हो चुके हैं। इस तरीके से आप इसको तैयार कर सकते हैं दोस्तों। बहुत सिंपल सा तरीका था, हमने आपको बनाने का तरीका बता दिया है जी। या दोस्तों जो हम फ्रंट जेब तैयार कर लेते हैं, फ्रंट पॉकेट जो हमारा हमने 2 सूत्र की पट्टी ले ली है, देखिए जितनी जो हमारी लंबाई में होगी, इससे आपने फ्लाप 1 सूत्र ज़्यादा बनाना है, बड़ा बनाना है। इस तरीके से देखें हमारा फ्लाप 1 सूत्र इससे बड़ा है। या अब इसको हम इस तरीके से प्रेस कर लेते हैं। आपने फ्रंट जेब तैयार कर लेनी है, जितनी आपने लगानी है उतनी आप इसको तैयार कर लेंगे। उसे आपने तैयार कर ली, इस तरीके से आप इसको तैयार कर लें जी। ये बहुत ही सिंपल सा तरीका है, बहुत ही खूबसूरत हमने आपको बनाने का तरीका बता रहे हैं। इस तरीके से आप इसको लगा सकते हैं, ये बहुत ही बेहतरीन तरीका है दोस्तों जी। अब इसको हम अब लगाने का तरीका बताते हैं। ये देखें इस तरीके से अब हम सिलाई लगा लेते हैं पहले एक पैर की जी। अब ये जितनी आपने फ्रंट जेब लगानी है उतना आप इसकी पेमाइश कर लीजिएगा। हम लगा लेते हैं 7.25 पर इस तरीके से जी। यहाँ पर हम इसको बांध डाल लेते हैं, उसके बाद हम यहाँ पर लगा लेंगे जी। अब दोस्तों आपने फ्रंट जेब लगा लेनी है, इस तरीके से हम लगाएंगे पट्टी से 1.25 इंच का वकफा छोड़कर जी। इस तरीके से अब हम इसको लगा लेंगे, उसके बाद हम इसके ऊपर फ्लैप लगा लेंगे, वो भी तरीका आपको बता देते हैं जी। इस तरीके से दोस्तों आपने इसको अब हमने फ्लाप लगा देना दोस्तों इसके ऊपर, वो भी आपको तरीका बता देते हैं कि आपका जो फ्लाप का तकरीबन आपका तकरीबन 2 सूत्र उससे ऊपर होना चाहिए जेब, आपकी फ्रंट जेब से जी बिल्कुल साथ में नहीं लगाना चाहिए। आपकी जो फ्रंट जेब होगी उसके आपने 2 सूत्र आधी इंच लगभग आपने इस तरीके तकरीबन 2 सूत्र तकरीबन सही है, उसको आपने इतना लगा लें ऊंचाई पर जितना आपका जब आसानी से ऊपर हो सके जी। इस तरीके से दोस्तों आपने इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेते हैं किनारे के ऊपर जी। इस तरीके से आप सिलाई लगा लेंगे किनारे के ऊपर, लगा लीजिएगा सिलाई आप जी। इस तरीके से आपने किनारे के ऊपर सिलाई लगा लेनी है जी। फिर आपने नसाद आधे पैर की फिर सिलाई लगा लें, डबल सिलाई कर दें जी। इस तरीके से आपने फिर आधे पैर की सिलाई लगा लेनी है जी दोस्तों। जो हमारे यहाँ फ्लाप में लगाने का आपको तरीका बता दिया, इस तरीके से आप लगा सकते हैं जी। आप देखिए बेहतरीन तरीके से हमने इसको लगा लिया है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही खूबसूरत हमने आपको लगाने का तरीका बताया था जी। जी देखिए आप इसके दोस्तों आपने शोल्डर लगाने का तरीका बता देता हूँ आपको। जो जो आपके तीरे की साइड होगी आपकी, जिस तरीके से आपने आगे वाला जो तीरा होगा हमारा अगली साइड जो दस लगेगी, आपने उसके साथ लगानी है तकरीबन 2 सूत्र छोड़कर जी। इसे दोस्तों ये हमारी बैक साइड है तीरे की, और जे आपने फ्रंट साइड की जो सिलाई होगी तीरे कंधे की, आपने उसके 2 सूत्र छोड़कर आपने सिलाई लगानी है दोस्तों। इस तरीके से आप इसको लगा सकते हैं जी। देखिए हमने लगा ली है इस तरीके से, बेहतरीन तरीके से। आप यहाँ पर बटन लगा लेंगे, और उम्मीद करता हूँ दोस्तों जो वीडियो आपको पसंद आई होगी दोस्तों। अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा, इसलिए हमारे मजीद टॉपिक आप तक पहुँच रहेंगे, डिजाइनर वगैरह जितने भी होंगे आप तक पहुँच रहेंगे। शुक्रिया, खुदा हाफिज़, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।